हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिलिशियस सिंधी खाना। सो ये वीडियो में मैं एक ऐसी डिश बना रही हूँ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड डिशेस, दाल पकवान। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो हम सिंधीज बहुत खाते रहते हैं और बहुत रेगुलर बेसिस पे घर पर भी बनाते हैं। एंड यू नो आज के वीडियो की सबसे स्पेशल बात क्या है, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक मील्स कम्प्लीटली विथ माई मॉम। मम्मी आ रही है। मम्मी आज हम क्या क्या बना रहे हैं? आज दाल पकवान, मटर डबल है, कोकी और हाँ। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं दाल पकवान, बहुत ही डिलिशियस दाल पकवान हम बनाने वाले हैं और हम बनाएंगे सिंधी कोकी। एंड द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू मेक इज सम मटर डबल। टुडे मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू सी ऑल द डिलिशियस फूड्स। और शुरू करें या सबसे पहले हम बनाने वाले हैं दाल पकवान, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर मेकिंग दाल पकवान, लेट मी टेल यू व्हाट इज दाल पकवान। दाल मींस लेंटिल्स एंड पकवान मींस अ फ्राइड पूरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। दाल और पकवान मिलके एक बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही एक अच्छा स्नैक आइटम बन जाता है और अ ब्रेकफास्ट आइटम। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेप करना पड़ता है, जैसे आपको दाल भिगो के रखनी पड़ती है और आपको पकवान की तैयारी आधा घंटा पहले चालू करनी पड़ती है। सो दाल तो हमने भिगो के रख दी है, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पकवान। ये है चना दाल जो हमने 4 घंटे तक पानी में सोख करके रखी है। सबसे पहले हम डाल देंगे मैदा, नमक, अजवाइन। देखिए मम्मी ऐसे रब कर रही है अपने हाथों से, अजवाइन को थोड़ा ऐसे रब करके हम डाल देंगे। इससे क्या होता है मम्मी? खुशबू अच्छी, इससे खुशबू अच्छी आती है। फिर हम डालेंगे जीरा विच इज़ क्यूमिन सीड्स, बेकिंग सोडा या फूड में जो हम सोडा डालते हैं वो। अभी हम डालेंगे तेल और इसे अभी हम अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। पानी डाल के इसका अच्छा सा आटा बना लेंगे और ये आटा थोड़ा सूखा होना चाहिए, इतना ऐसा गीला या नरम नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम 10 से 15 मिनट तक साइड में रख देंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए। अभी बनाते हैं हम दाल। दाल बहुत इजी है बनाना, लेजिट मुझे अभी मम्मी ने प्रिपरेशन बताई, इट्स सो सिंपल, लेट्स मेक दैट। ये चना दाल है, इसको हम पहले कुकर में डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे वाटर, 2 कप पानी होगा ये, हाँ 2 कप पानी। अभी हम डालेंगे नमक, टर्मरिक, ग्रीन चिलीज, देखो मम्मी डायरेक्ट कट करके कैसे डाल रही है, करी लीव्स। हाई फ्लेम पर सीटी लगने देंगे, कितनी सीटियाँ बजनी चाहिए? 4 सीटियाँ बजनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा तड़का देना पड़ेगा, वो हम आपको बाद में बताते हैं। दाल अभी रेडी हो रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना टाइम हो गया ना मम्मी, हमने दाल पकवान खाया ही नहीं है। ऐसी जो डिशेस हैं वो ट्रेडिशनल डिशेस कैसे आपकी जनरेशन को सबसे बेस्ट आता है, लाइक हम लोग वैसे बाहर से मंगा के खा लेते हैं बट आपकी जनरेशन से सीखना चाहिए, दे मेक लाइक द बेस्ट वे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ हम आपको सिखाएंगे, कुछ चीज़ आप हमें सिखाई दीजिए। देखो जैसे तुमने उस दिन मुझे डिजिटल गोल्ड के बारे में बताया था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे गाइज यू वोंट बिलीव, उस दिन मैंने अपनी मॉम को बताया दैट शी कैन नाउ इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड और वो तो एकदम ऐसे इम्प्रेस ही हो गई। हाँ ना, वो ही ना, वो भी गोल्ड डिजिटल। देखो गोल्ड भी डिजिटल, मैं आपको भी बताती हूँ। ऑन अपस्टॉक्स गोल्ड यू विल गेट 24 कैरेट विद 99.9% प्योर गोल्ड। आई पर्सनली इन्वेस्ट इन इट, इसीलिए मैं आपको भी ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही हूँ बिकॉज आई फाइंड इट वेरी वेरी गुड। ऑन अपस्टॉक्स गोल्ड यू कैन बाय और सेल गोल्ड एट लाइव मार्केट प्राइस एनीवेयर एंड एनी टाइम एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट लाइक 10 रुपीज, 100 रुपीज, 500 और 1000, मतलब जितनी आपकी सेविंग्स होगी उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अपस्टॉक्स गोल्ड आपका ये जो डिजिटल गोल्ड है वो 100% सिक्योर्ड वॉल्ट्स में स्टोर करता है। एंड मेकिंग चार्जेस, हाँ मेकिंग चार्जेस, तो आपका जो 5-8% मेकिंग चार्जेस होता है वो भी आपको नहीं पे करना पड़ता है, वो भी आपका बच जाता है, जस्ट आपको 3% GST पे करना पड़ता है। मम्मी एक्चुअली चली गई दाल देखने के लिए बट लेट मी टेल यू डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक ऑन दैट, ओपन अ फ्री अकाउंट एंड गेट ई गोल्ड वर्थ ₹51 एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड। अभी हमारा ये आटे को सेट हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसे बेलेंगे और फिर एकदम गर्म तेल में हम इसे डीप फ्राई करेंगे।
अभी हम दाल में तड़का डालेंगे ताकि दाल में थोड़ा सा फ्लेवर आए, क्योंकि हमने इतने भी मसाले नहीं डाले. सो लेट्स डू दैट. सबसे पहले हम डालेंगे कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, आमचूर. अभी हम लोग तेल में थोड़ा जीरा डाल देंगे और जैसे ही वो थोड़ा गर्म हो जाएगा उसको भी हम ये दाल के ऊपर डाल देंगे. आज की जो सेकंड डिश हम बना रहे हैं वो है मटर डबल. अगर आपको याद हो मैंने अपने उल्लासनगर स्ट्रीट फूड वाले वीडियो में आपको दिखाया था, और ये इतने लोगों को मालूम भी नहीं है कि ऐसी कोई डिश होती है, बट ये बहुत ही सिंपल डिश है. इट टेस्ट यमी और इसे बनाना बहुत सिंपल है. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सम मटर डबल. डबल एक्चुअली मींस पाव. सिंधी में हम पाव को डबल बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मटर, इसको हम मटर बोलते हैं. को अभी हम बॉईल करेंगे तो एकदम ऐसे ब्लैक हो जाएंगे. बट ये जो मटर है इसको आपको मिनिमम 10 आवर्स तक पानी में सोक करके रखना पड़ेगा. सो इट्स क्वाइट एडवाइजेबल कि आप एक दिन पहले ही इसको भिगो के रखें. तो हम लोग एक कुकर में ये पूरा मटर ले लेंगे. उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक, बेकिंग सोडा, 4 कप्स ऑफ वाटर, और उसमें हम उसको सीटी लगने देंगे. वी विल लेट इट कुक. अभी हमारे मटर भी रेडी हो चुके हैं. अभी हम इसमें पाव के पीसेस डाल देंगे एंड वील गार्निश इट विथ सम पापड़ी. पापड़ी आप पक्का डालिएगा, इट टेस्ट्स यमी. और अगर आपको चाहिए आप थोड़ा नींबू भी डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है. एंड इट्स रेडी. नाउ लेट्स प्रिपेयर द लास्ट डिश ऑफ द डे विच इज़ सम कोकी. मैंने एक्चुअली कोकी एक और वीडियो में दिखाई थी, बट उसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे बनाते हैं. आज हम बनाने वाले हैं प्रॉपर सिंधी कारी मिर्ची कोकी, विच इज़ ब्लैक पेपर की कोकी. ये दही या चाय के साथ खाने में बहुत मस्त लगती है. लेट्स स्टार्ट मेकिंग. सबसे पहले हमने इसमें ले लिया है आटा, ये नमक, ब्लैक पेपर, ये है देसी घी. देसी घी डालेंगे तो बहुत मस्त टेस्ट आएगी. अभी हम इसमें पानी डाल के आटा गूंद लेंगे. ये भी सूखा ना? सूखा. ये भी सूखा आटा. बिग थैंक्स टू मॉम. आज सब मॉम कर रही है. आज मॉम के लिए जाके एक लाइक छोड़ दो, है ना. हमारा खाना यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है. ये देखिए, ये है पकवान, दाल पकवान, उसके साथ थोड़ी ये चटनी, ये है कोकी, और ये है मटर डबल. मैं एक बार मम्मी को भी बुला लेती हूँ और मम्मी साथ में बैठ के खाते हैं. सबसे पहले एक पकवान, ये देखिए पकवान कितना क्रिस्पी है, इतना आवाज़ आया, एकदम मस्त. और ये है दाल. दाल के ऊपर हमने थोड़ी सी चटनी डाल दी है, और कांदा में हमने तड़का भी दिया था, वो सब भी मसाले भी हैं. लेट्स साथ में लें. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. बहुत मस्त है, बहुत मस्त. कितने टाइम बाद खा रहे हैं यार. दाल में इतने मसालों का टेस्ट आ रहा है, करी लीव्स का टेस्ट आ रहा है, फिर जो भी हमने मसाले डाले, जीरे का, फिर जो चटनी हमने डाली, इट्स बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स. और ये पकवान तो इतना खस्ता और इतना डिलिशियस है. जीरे का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, ऐसे रूखा भी खा सकते हैं. अभी खाते हैं मटर डबल. मटर डबल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से हमने ये पापड़ी और कांदा भी डाल दिया है. कैसे है? ये मटर डबल बहुत सिलेक्टेड जगहों पे मिलती है, पर जहाँ पे भी मिलती है वहाँ पे से बहुत भीड़ होती है. नाउ लेट्स ट्राई द फेमस सिंधी फ्लैट ब्रेड कोकी. देसी घी की कोकी मम्मी बोलती है, देसी घी कोकी. इसमें आप कांदा, टमाटर ये सब भी डाल सकते हो. इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ भी. देसी घी की जो टेस्ट आ रही है, जो खुशबू आ रही है, अमेजिंग. चटनी से ज़्यादा अच्छा ये दही या चाय के साथ खाने में आती है ना, मज़ा आया बहुत. बेस्ट क्या लगा आज जो भी बनाया? सब अच्छा है. दाल पकवान अच्छा है, कोकी, बटर पकवान. बेस्ट क्या लगा? दाल पकवान. मेरे को नंबर 1 दाल पकवान, 2 कोकी,
और मटर डबल सेम बट बहुत डिलीशियस था. अभी हम ये मस्त एंजॉय करेंगे. यूजुअली ऐसी चीजें लोग ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में खाते हैं बट हम लंच में खा रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट कि डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स गोल्ड की लिंक दी हुई है. क्लिक ऑन दैट लिंक, ओपन अ फ्री अकाउंट एंड गेट ई गोल्ड वर्थ ₹51. सो क्लिक ऑन दैट लिंक, ओपन अ फ्री अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड टुडे. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में पक्का बताइएगा. एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी मोर ऑफ सिंधी डिशेज. Like, अगर आपको सिंधी मील्स देखने हैं, शेयर दिस वीडियो विद एनीवन हु विल एंजॉय इट एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो, खुश रहो, बाय.